आखिर भारत ने कोरोना के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल कर ही ली। हेलो व्यूअर्स, रचनास क्रिएशन कच्ची से कलम तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ रचना। भारत के लिए कोरोना के विरुद्ध तैयारी की सबसे बड़ी बाधा थी एक टेस्ट किट तैयार करना। टेस्ट किट की कमी के कारण ही अभी तक बहुत कम लोगों के मौत की जांच की जा चुकी है, या अभी तक बहुत कम लोगों का पता चल पाया है कि वो पॉजिटिव हैं टेस्ट में या नेगेटिव हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग टेस्ट करा ही नहीं पा रहे थे। भारत में लगभग 124 जगहों पर ही टेस्ट किट और टेस्टिंग लैब था। भारत सरकार इस मामले में कई देशों जैसे कि दक्षिण कोरिया, ताइवान से भी पीछे चल रही थी। किसी किसी राज्य में तो सिर्फ राजधानी में ही टेस्टिंग किट अवेलेबल कराया गया। ऐसे में कोरोना के खिलाफ लड़ना सभी के लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। इसी बीच हमारे लिए एक राहत वाली खबर आई है। पुणे के माई लैब डिस्कवरी ने 150 किट, वो भी पूरी तरह से स्वदेशी, उसको तैयार कर लिया है। है ना, ये बहुत ही राहत देने वाली खबर, वो भी तब जबकि टेस्ट किट की इतनी कमी चल रही हो। और ये किट को पुणे, मुंबई, दिल्ली, गोवा, बैंगलोर सभी जगह भेजा गया है। ये किट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इस समय में, क्योंकि भारत की आबादी के अनुसार जितने किट, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि किट की कमी के कारण क्या क्या समस्याएं देखी जा रही हैं, तो जितने किट चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे किट अवेलेबल नहीं थे। तो आप सोच रहे होंगे कि इस किट को बनाने में किसका सबसे बड़ा योगदान है। वो सुनकर आपको बहुत खुशी भी होगी, आपको बहुत प्राउड भी फील होगा, क्योंकि भारत में इस पहला जो जांच किट बनाया गया कोरोना के खिलाफ, इसको बनाने में योगदान है एक महिला का। तो इस किट को तैयार किया है डॉक्टर मीनल भोसले ने। तो चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत डॉक्टर मीनल भोसले के बारे में बता देती हूँ, और फिर मैं तीन ऐसी बातें बताऊंगी इस किट के बारे में जिसको सुनने के बाद आपको खुद में भी बहुत आत्मविश्वास आएगा कि भारत जो है वो कोरोना के खिलाफ फाइट करने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ डॉक्टर मीनल के बारे में। डॉक्टर मीनल ने गर्भावस्था के आखिरी दिनों में, जब उनकी डिलीवरी होने वाली थी, उस समय लगातार काम करके इस किट को तैयार किया है। अपनी बेटी के जन्म से महज एक दिन पहले 18 मार्च को इसका मूल्यांकन करने के लिए यह किट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को दिया गया। उनकी टीम ने यह किट मात्र 6 सप्ताह में तैयार कर लिया। ज्यादातर इसमें 3 से 4 महीना लगता है, लेकिन 6 सप्ताह में इनकी टीम ने तैयार किया। सबसे अच्छी बात है कि ये स्वदेशी किट है, मेड इन इंडिया है, और ये वीमेन एम्पावरमेंट की बहुत बड़ी मिसाल है। अब मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टर मीनल के इस प्रयास से और इस सफलता से हमें क्या फायदा होने वाला है। तो इस किट की सबसे बड़ी खूबी क्या है, मैं आपको वो बताती हूँ। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और मैक्सिमम लोगों तक ये शेयर करिए, जो लोग कोरोना के खिलाफ लड़ने में अपने आप को कमजोर फील कर रहे हैं, लेस कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, उन लोग को ये न्यूज सुन के बहुत ही आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो इस किट की सबसे खास बात है कि विदेशी किट के मुकाबले काफी सस्ती है। पहले जांच में लगभग 4500 रुपया लगता था, और अब यह घट के 12 रुपया हो चुका है। इतना ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों अमाउंट में कि आप खुद भी समझ सकते हैं कि अब आपको अगर किसी को भी ये थोड़ा भी डाउट होता है तो इजिली टेस्ट करा सकता है। जांच रिपोर्ट भी मात्र 2.5 घंटे मिल जाती है, जो कि पहले जो किट था उसमें 6 से 7 घंटे लगते थे। तो ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तीसरा, प्रत्येक सप्ताह लगभग 1 लाख किट बनाई जा सकती है। ये बहुत बड़ी राहत की बात है कि प्रत्येक सप्ताह 1 लाख किट बनाई जा सकती है, क्योंकि इंडिया में वाकई इस चीज़ की बहुत ही सख्त जरूरत है। तो फाइनली इंडिया ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, और आप लोग, आपके आसपास किसी को भी थोड़ा भी डाउट होता है कि वो कोरोना संक्रमित है, तो वो ना सिर्फ अपने आप को आइसोलेट करें, क्वारंटाइन करें, बल्कि प्लीज़ जांच कराने में देरी ना करें, क्योंकि उससे फ़ायदा आप ही का है। अगर आप लेट से जांच कराते हैं तो आपका इलाज मुश्किल हो जाएगा, और अगर आप समय पर जांच करा लोगे तो आप ठीक हो जाओगे, आपके आसपास जिनको भी वो ठीक हो जाएंगे। तो भारत की इस जीत पर
हमें इस चीज को शेयर करना चाहिए मैक्सिमम। और मेरे वीडियोस में और भी बहुत सारी होममेड सैनिटाइजर, होममेड हैंड वॉश, होममेड मास्क, होममेड ग्लव्स, ये सारी वीडियोस मैंने शेयर की हुई है। तो भारत की इस जीत को सलामी देते हुए इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए और कोरोना के खिलाफ जल्द ही हम लड़ करके हम जीतेंगे भी और कोरोना को हम हराएंगे। जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग रचनास क्रिएशन, कच्ची से कलम तक। नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी हाजिर।